सब कुछ हो रहा है एक साथ, और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है एक नई इंडस्ट्री, नई दुनिया खड़ी करने जा रहे हैं आप। हाउ यू गॉट दिस आइडिया एंड हाउ यू इनिशिएटेड इट? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है, और बहुत कंफर्ट जोन है मेरा, ये हमेशा यही करते आया हूँ। तो एक ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरा पड़ाव है, और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, यू नो, किसी भी, आई थिंक किसी भी म्यूजिशियन आर्टिस्ट का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है ऐसा, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वेरी एक्साइटेड। इंडस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन हाँ कोशिश ये रहेगी कि अच्छा म्यूज़िक आप तक आप सब तक पहुंचा सके, और यही कोशिश है। कितना चैलेंजिंग रहा जब मैं बात करता हूँ, इतने इतने सारे लोगों को एक साथ लेके आना, अलग अलग वीडियो शूट करना, इतना चैलेंजिंग रहा ये सब कुछ करना? बहुत, मतलब आपको मैं बता दूं कि हम लोग ये जितना आप देख रहे हैं अभी, इसकी तैयारी हम लोग मार्च से कर रहे हैं, और मार्च से यू नो चलता जा रहा है गाने। अभी तो हम लोगों ने 4 गाने रिलीज़ किए हैं, हम लोग 6 महीने तक रेडी हैं, 6 महीने तक हम लोग कंटेंट रेडी, मतलब ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, सब कुछ रेडी है। तो इसमें काफ़ी कुछ यही था कि यार यहाँ पे सिर्फ ऐसा जॉब नहीं था कि सिर्फ मुझे गाने बनाने, बहुत कुछ देखना था एक ही वक्त पे, एक ही टाइम पे, तो उसी में बिजी था यार, काम करता जा रहा था और घबरा भी रहा था, क्योंकि यू नो प्रोडक्शन पे आना, एज ए प्रोड्यूसर आना, वो एक नई बात थी। बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग ने किया। मुझे ऐसा लगता है, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती कर करके ही आदमी सीखता है, और मेरा लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहा इस दौरान पे, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। अंशु मिश्रा इनकी वाइफ है, भाभी है हमारी, तो इन्होंने यू नो अपनी वाइफ के नाम पे सब कुछ करने की कोशिश की। सेंटेंस गलत है। नहीं, इन्होंने मेरे साथ नहीं शुरू किया था भाई, मैंने इनके साथ शुरू किया था। आप सोच सकते हो म्यूजिक में कोई अंकित तिवारी किसी के साथ शुरू करेगा क्या? नहीं, नहीं। मैंने अंकित तिवारी के साथ शुरू किया, साथ में शुरू किया है, और नहीं नहीं टचवुड बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू। लेकिन भाई मुझे मौका मिला म्यूजिक समझने का आपके साथ, आप मेरे साथ शुरू करोगे महाराज, क्या बात करते हैं। मनीष ने मुझे इंस्पायर किया। एक्चुअली आप हमेशा ना लाइफ में उसी चीज पे खेलते हैं जो आपके एसेट हो। अंकित भाई हमेशा से मेरे लिए भाई जैसे हैं, और वो मेरे लिए हमेशा पर्सनल लेवल पे भी एक एसेट रहे हैं, तो उसी एसेट के ऊपर खेलना था। तो जब कुछ प्रोफेशनली कुछ नया करने का मन था तो अंकित भाई हमेशा साथ खड़े थे। हम लोग कुछ मूवीज़ भी साथ में कर रहे हैं, और उसके बाद जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने फिर एक म्यूज़िक चैनल का सोचा। और मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि इस पूरे वेंचर को लेके जो सपोर्ट अंकित भाई का रहा है ना, तो क्रेडिट्स बिना सब अंकित भाई को जाते हैं। हम लोगों को इंस्पायर किया एक्चुअली अंकित भाई ने, अंकित भाई के म्यूज़िक ने, कि हाँ बहुत कुछ है जो किया जा सकता है और जिसको इंजॉय हम बचपन से करते आए हैं। जब हम लोगों की शादी हुए कुछ ही साल हुए थे, तब से अंकित भाई के गाने सुनते हैं, तो अब अंकित भाई के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो छोड़ना पसंद नहीं किया, इसीलिए समझ लीजिए कि मिस म्यूज़िक खड़ा है। एक्चुअली मनीष थोड़े रोमांटिक टाइप हैं, तो म्यूजिक और ये सब इनकी चॉइस है, और अंकित भैया का सपोर्ट मिला हम लोगों को, और बस चीज़ें होती चली गई, ऊपर वाले की इच्छा थी और सब चीज़ें इजीली होती चली गई। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, अंकित और पल्लवी हमारे से हमारे बहुत क्लोज़ हैं, स्मार्ट जोड़ी में क्लोज़ हो गए थे, एंड इनका मिस्ट म्यूज़िक लॉन्च है, इट्स वेरी 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 हैप्पी फॉर इट जेन्युइनली। हम लोग बस अंदर जाके उनको मिलना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हैं पहली बात तो। बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त है। काश हम लोग इसके साथ कोलैबोरेट कर पाते इस पर, लेकिन शायद अगली बार। बट यस, वे हैप्पी फॉर शिविन ऑल्सो, शिविन मेरा बहुत अच्छा, आई नो हिम वेरी वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो। गाना भी गाया है, और गाने का नाम है नागिन वाला स्टेप, तो मुझे तो आना ही था। आप क्या मानते हैं
एक सही शुरुआत है, एक म्यूजिशियन अपना खुद का म्यूजिक लेबल लेके आ रहा है। आई थिंक अंकित इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स इन आर कंट्री। बहुत ही सिंपल, माई फेवरेट, पता नहीं क्या बोल रहा था ये, बट ये मेरा दिल है, वो मेरा भाई है, आई लव इट। मैं यही बोल रहा था कि इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स इन द कंट्री एंड वाई नॉट या आई मीन ये खुद का म्यूजिक लेबल लाएगा तो पूरी जी जान डालेगा एंड आई एम एंड ही सिंग सच सॉन्ग्स विद सो मच डेप्थ एंड मुझे लगता है कि ये अंकित के लिए एक ऐसा चेंज होने वाला है जहां वो कई सारे ऐसे गाने गाएगा जो शायद उसके कंफर्ट जोन से बाहर है और जो वो गाना चाहता है एंड ही इज सच अ वर्सेटाइल सिंगर जो मैंने सुना है, हम कई बार बैठे हैं सेशंस पे, तो आई एम श्योर कि लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है एंड हिज म्यूजिक लेबल इज गोना रॉक। बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, हालांकि अंकित इतना पार्टी एनिमल नहीं है, सो जब उन्होंने जब मेरा उनसे बहुत हमारी रोज़ बात करना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि ही हैज़ नेवर गॉन टू अ फैशन शो, तो मैंने उनको इनवाइट किया, वो आए, उनको बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इज़ अ वेरी टैलेंटेड यू नो सिंगर एंड आई थिंक मुनिशा विल एग्री विद दैट। आज उनका ये मिस म्यूज़िक कंपनी का लॉन्च है, आई एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक सो जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है उतनी ही खूबसूरत वो एज इंसान है, तो मैं चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहे एंड ही बिकम्स लाइक अ इंडियाज मोर बिगर स्टार देन बिगर स्टार। या एंड आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू लॉन्च, इज अ फैबुलस सिंगर, बहुत ही टैलेंटेड है और हमारा अच्छा दोस्त है, सो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। आई शेयर अ बॉन्ड विद हिम, सुन रहा है ना तू के साथ, तो मैं मोहित सूरी का असिस्टेंट था और तब अंकित पहली बार आए थे साथ में, हम लोगों ने सुन रहा है ना तू किया था, फिर हमने गलियां किया, फिर अंकित का पहला सिंगल किया मैंने बदतमीज़ साथ में, दूसरा सिंगल किया तुम और दफाओ, तो जब इस बार फ़ोन आया अंकित ने बोला अपना चैनल खोल रहा हूँ मैं, तो अभी हमारा टीज़र आएगा, मैं कहा टेंशन बोलो सबसे बड़ा गाना देंगे हम आपको तो उनका गाना है ए दिल जो डायरेक्ट किया है मैंने इस बार वापस एंड उसके बीच में एक और गाना किया हमने जानिया नाम से जो कि सुपर हिट हुआ है अभी एंड अभी मैं यहाँ से जाते ही अंकित को पूछने वाला हूँ मेरी फिल्म के लिए गाने के लिए भी, संजय दत्त के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ तो ऐसा है, लंबा रिलेशनशिप है। I, you know, honestly, I'm going to be very honest and I've come here for a very selfish motive. Ankit ka music, Ankit is of course one of my guy, I'm sure all of us in our playlist have Ankit Tiwari songs in it. And me and Ankit have done a very special song, Ae Dil Ye Theek Nahi, which is going to be out on the 1st of Jan. And today the teaser will be launched and I'm so excited. Ankit Tiwari ji ka music label naya launch ho raha, I'm really super duper excited. इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं भी उन्हीं के उनके गाने में नज़र आऊँगी। आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड, उन्होंने कितने सारे आइकॉनिक गाने गाए हुए हैं, आई रियली लाइक हिज सॉन्ग, एंजॉय हिज सॉन्ग, ही हैज़ हिज डिफरेंट वॉइस, या आई एम वेरी हैप्पी। ऑफकोर्स एग्जैक्टली, और सी फिल्म हो, सीरियल हो, टेलीविजन हो, without music it's incomplete, I think so, and it's a great decision made by him, oh my god bhai talent ko koi rok nahi sakta hai aur abhi wo ek naya vertical shuru kar rahe hain, apna music label shuru kar rahe hain, to zahir si baat hai ki bahut hi pyar se aur bahut hi ek passion se kaam lenge aur mujhe lagta hai ki और बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स अंकित से सुनना बाकी है, तो हम उनको बधाई देना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही अपने संगीत के साथ और अपने पैशंस के साथ बढ़ते जाओ और खूब प्यार पाओ आवाम से, तो बस यही कह सकता हूँ। सबसे पहले मेरा ही गाना है सबसे पहला, तो नागिन वाला स्टेप, तो बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही ट्रेंडी है एंड न्यू ईयर भी सामने आ रहा है, क्रिसमस पार्टीज़ होने वाली हैं, तो आई एम श्योर सारी पार्टीज़ में ये गाना बहुत धमाल करने वाला है एंड नागिन वाला डांस तो हमारा एक फेवरेट होता है, किसी भी शादी हो या कोई भी इवेंट हो, एक नागिन वाला डांस ज़रूर होता ही है, सो आई गेस दिस सॉन्ग इज़ गोना रॉक। नमस्कार, मैं जीत गांगुली हूँ और अंकित मेरा भाई जैसे ही है, हम लोग एक साथ काम किया आशिकी 2 में और आज सबसे बड़ी खुशी की दिन है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है वो आगे बढ़ रहा है, नॉन फिल्म म्यूज़िक, म्यूज़िक हम लोग फिल्मों में म्यूज़िक देते हैं, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक नॉन फिल्म म्यूज़िक भी एक अच्छा मौका आ रहा है सबके लिए, आर्टिस्ट के लिए और नए नए कलाकार के लिए बहुत ही अच्छा है।
तो आज मिस्ट म्यूजिक को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अंकित को बधाई देना चाहता हूँ। डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड कंपोजर एंड सिंगर, और अच्छा अच्छा कलाकार आएंगे यहाँ काम करेंगे, शायद मैं भी करूँगा अंकित के साथ गाना। वी हैव अ प्रोड्यूसर लाइक हर, एनीबडी वांट्स टू एसोसिएट विद हर, लाइक इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर एंड द टीम, सो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम अगेन। कितनी खुश हैं आप अंकित के लिए? मैं बहुत खुश हूँ अंकित के लिए। अंकित वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर तो है ही हैं, पर अभी रिसेंटली मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, और बहुत खुशी होती है आपको जब आपका कोई दोस्त एक इंडस्ट्री में इस मुकाम पे पहुँचते हैं। बहुत टैलेंटेड तो है ही एज ए सिंगर, बट आज इनकी खुद की एक अपनी कंपनी है जहाँ पर ये बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ बनाएंगे और बहुत सारा लोगों को एंटरटेन करेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए। स्पेशली आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज में जाती नहीं हूँ, बट इनके लिए मुझे आना ही था, इसलिए मैंने बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ, बाकी एक्सक्यूजेस बाद में। बताओ अंकित बताएगा इस बात के बारे में। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, आज जब मेरी शमा से बात हो रही थी तो इस टॉपिक पे बात की हमने ऑलरेडी, इस टॉपिक पे बात की हम लोगों ने कि ऐसा ऐसा है, और शमा कितने बजे आ रही है, वो क्या टाइमिंग है तुम्हारी, वो सब बातें कर रहे थे। फिर अचानक से बात छिड़ी कि यार हम लोग को साथ में करना चाहिए ना, अच्छा गाना करना चाहिए, और यू नो विल प्लान, वी शुड मीट फर्स्ट एंड विल प्लान वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने क्या बोलते हैं उसको, सोच हम रहे थे, आपने और पुश कर दिया उसको। तो बहुत जल्दी शायद तो ऐसा हो जाए। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। I think it's huge. I mean, it's always a great opportunity to work, and this song particularly was so much fun to do. Humne shoot ek din mein kiya tha in Chandigarh, and everyone on set actually had fun. So it wasn't like work. We were actually having fun, and the song is so like peppy, and it's so it's a loop pe sun sakte ho. So it was a fun experience. Ah, main badhai dena chahta hu Manish bhai ko aur Miss Music ki puri team ko, Ankit ko, aur acche acche gaane le aaye. लोग सुनना चाहते हैं अच्छे अच्छे गाने। बिल्कुल अच्छे अच्छे गाने। तारीफ, सिर्फ तारीफ करने। मैं अंकित को ही पकड़ लेता हूँ। क्या अलग करता है कि हाँ ये चीज़ जुदा करती है? See, as a singer, he's fantastic. बिल्कुल आवाज़ ही अलग है, आवाज़ ही अलग है। हाँ, एज ए ह्यूमन बीन क्या अलग, इंसान मतलब आपको क्या लग रहा है? मुझसे क्यों सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं? He is wonderful person, wonderful person. Thanks यार, thank you. I said, बहुत अच्छा है म्यूजिक के लिए तो, I'm always there and I've come here for a friend, तो to wish him the best and एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो I just hope कि succeeds in it and we'll be doing something very very shortly, which will be again something which will be path breaking out of the world. So, and I know he's a very passionate. You can see the poster, missed me, so I had to be here. आप लोगों ने गाना सुना है? नहीं सुना है सब तक? नहीं, हम लोग गाना नहीं सुन पाए। अरे यार, अभी तक बजाया नहीं आपने गाना यहाँ पे, गाना बजवाना चाहिए था यार। कैसा एक्सपीरियंस रहा? टेल अस। सी, गाना बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा डांस वाला है, एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा। पंजाबी टच था, एक कमर्शियल टच था, सो इट वाज फन टू एक्चुअली शूट विद प्रिंस, एंड प्रिंस के साथ में मैंने शूट किया था, एंड ऑफ कोर्स इशिता। सो ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए, आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा? बट मुझे तो पसंद आया डेफिनेटली।